सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको इंडिया से लानी चाहिए जब आप डेनमार्क आते हो, या फिर मेरे को लगता है अगर किसी और भी कंट्री में जा रहे हो आप डेनमार्क के अलावा भी, तो भी इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बारिश आ रही है क्या यार? इतनी देर में जाके मेरे को ये मस्त सी जगह मिली और अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली, क्योंकि थोड़े से काले बादल हो रहे हैं। आते हैं क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी इंस्टा पे और उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी खबर दी कि उन लोगों का वीज़ा आ रहा है सितंबर इनटेक का, किसी की स्पाउस का वीज़ा आ रहा है, किसी का खुद का वीज़ा आ रहा है, कोई वर्क वीज़ा पे आ रहा है, तो कोई किसी वीज़ा पे आ रहा है। तो काफ़ी लोग कांटेक्ट कर रहे थे, तो सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी लोगों ने अपना घर वगैरह ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो वो पूछ रहे थे किस जगह घर लेना चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने बताया उनका वीज़ा आ गया, तो इतनी खुशी हुई। तो मैं अपना थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह देखने लगा और सोचने लगा कि यार मेरा भी एक टाइम था जब मैं बड़ी टेंशन में जब अपनी कंट्री से आया था छोड़ के, और तो काफ़ी दुख भी हुआ था छोड़ने में, पर ये पता था कि कुछ पढ़ने जा रहा हूँ या फिर कुछ और काम करूँगा या कुछ ना कुछ तो करूँगा जब इतनी दूर जा रहा हूँ अपने घर से। तो बड़ी टेंशन भी हो रही थी यार कि क्या चीज़ लेके जाऊँ, कहीं वहाँ पर अटक ना जाऊँ, कहीं ये चीज़ ना हो, कहीं ये चीज़ वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए और वहाँ पर मिले ना। को लगा कि यार आजकल जो लोग हैं मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हैं तो बड़े ही स्मार्ट हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे को फील भी होता है कि यार इनके पास पहले से कितनी ज़्यादा नॉलेज है, और मेरे पास जब मैं इंडिया में था आने की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास भाई कुछ भी नॉलेज नहीं थी और कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या लेके जाना है या क्या नहीं होगा वहाँ पे, क्या होगा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ लोगों को ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ऐसी सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि क्या लानी चाहिए, या फिर आप क्या हो सकता है यहाँ पर आके रिग्रेट करो कि यार मैं ये चीज़ ले आता तो अच्छा होता। तो इसलिए एक लिस्ट बनाई है मैंने छोटी सी खुद के हिसाब से, दिमाग से सोच के कि यार ये चीज़ लानी चाहिए इंडिया से। तो हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मेरा आईडी है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। यूट्यूब के वीडियोज़ पसंद आ रही तो लाइक कर दो, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो ताकि अच्छे व्यूज़ मिले और अच्छे सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो मेरे चैनल को एक ग्रोथ मिलेगी, तो मैं भी खुश होऊंगा और मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। तो अब करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ, अगर दिख रहे हो तो वो जो फर्स्ट चीज़ मैंने लिस्ट पर डाली है वो थोड़ा सा हो सका आपको बेवकूफ़ी भरा पॉइंट लगे, लेकिन सब काम पैक हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो अपनी फ़्लाइट टिकट और जो चेक इन टाइम है वगैरह वो सब अच्छे से देख लें, और फ्लाइट टिकट अपनी अपने बैग में रख लेना भाई, उनको मत छोड़ देना कहीं एयरपोर्ट आने से पहले। तो अपनी फ़्लाइट टिकट्स को ज़रूर याद रखना। और थोड़ी सी पता नहीं क्यों ठंड सी लगने लग गई यार, दिन में थोड़ी गर्मी थी और अभी पता नहीं शाम को अचानक से क्या हुआ कि ऐसे काले बादल हो गए। पीछे से थोड़ा सा फिर भी मौसम साफ दिख रहा है, पर थोड़ी ठंड लगने लग रही है। और जो दूसरी चीज़ मैं कहूँगा वो ये कि पासपोर्ट अपना लेना मत भूलना, ये अगेन एक सिली सा पॉइंट है पर पासपोर्ट ज़रूर रख लेना, और पासपोर्ट की कुछ फ़ोटोकॉपीज़ भी रख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है काफ़ी चीज़ों में कुछ फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़े। जब बाहर आओगे तो कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे, तो एक फॉरेक्स कार्ड ले आना, कि मैं जब आया था तो फॉरेक्स कार्ड लेके आया था, जैसे कि एक वेस्टर्न यूनियन अपने वहाँ पे मनी एक्सचेंज कंपनी होती है जो भी, तो उसमें मैं कुछ पैसे डलवा के लेके आया था। मैं कुछ 2 लाख इंडियन रुपीज़ उस फॉरेक्स कार्ड में लेके आया था, उसकी वैलिडिटी कुछ 4-5 साल होती है जब तक आप यूज़ कर सकते हो। और मैं जब यहाँ से विड्रॉ कर रहा था कैश तो उसमें कुछ ज़्यादा चार्ज भी लग रहा था, बहुत ही थोड़ा सा चार्ज था, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। और जब मेरा बैंक कार्ड यहाँ पे खुल गया बैंक अकाउंट, तो उसके बाद मैंने सारे पैसे उसमें ट्रांसफ़र करा दिया और उस कार्ड को फेंक दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिंस की। एक बार हो सकता है यहाँ का वेदर इतना एक्सट्रीम होता है, अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज हो जाएगा वेदर में। तो उससे अच्छा है कि अपनी कुछ लोकल मेडिसिंस वहाँ से लेके आना, जो कि अपनी बॉडी को आदत है वो लेने की, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि लाइसेंस अगर आपको चाहिए यहाँ पे डेनमार्क का, प्लीज़ अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर ले आना। और अगर आप अभी आपके वीज़ा आने में टाइम है तो भाई अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लेना। अगर लाइसेंस बनवा के इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाता है वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ सब कुछ, वो लाइसेंस भी बनवा लेना, ताकि यहाँ पर जो कम्यून आपका लाइसेंस वगैरह वेरीफाई करेगी तो इतनी दिक्कत नहीं होगी उसको पढ़ने में भी। और इंडियन पुलिस वगैरह से पता नहीं वो कहाँ से कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, 2-4 महीने ले लेते हैं उस प्रोसेस में। तो इस सब के लिए अपना इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर बनवा लेना इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसके अलावा एक फॉर्मल पेयर ऑफ क्लोथ्स और एक फॉर्मल शूज़ भी ले आना, अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हो तो स्टार्टिंग में यहाँ से ख़रीदने में थोड़ा आपको काफ़ी ज़ोर आएगा, क्योंकि प्राइस वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इससे अच्छा है कि अपने वहाँ पर किसी भी दुकान जो आप प्रेफर करते हो वहाँ से एक फॉर्मल पेयर ऑफ़ क्लोथ्स और शूज़ ज़रूर लेके आना, और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह। ज़्यादा कपड़े शॉपिंग पे इतना खर्चा मत करना, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है जब उनका पता लग जाता है बाहर का वीज़ा आ गया तो इतनी शॉपिंग करते हैं भाई भर भर के,
तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने की और अपने पेरेंट्स का खर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड क्लोथ्स लेके आओ, थोड़े टाइम बाद आप यहीं से ख़रीदना प्रेफर करोगे। और एक जो पॉइंट है भाई आने से, तो यार थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग रही है, अगर मैं वीडियो में अगर ऐसा बेवकूफ़ सा लग रहा बोलने में कांप रहा है भाई, ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, अगर आपका एक दो महीने में वीज़ा आ रहा है या फिर आप फैब एंड टेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कि इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम किचन में स्पेंड करने लगो अपनी मम्मी के साथ। मैं तो इतना बेवकूफ़ था भाई, मेरे को पता था कि एक डेढ़ महीना है बचा है, अभी वीज़ा आ चुका है और मैं आराम से वहाँ पे ऐश ले रहा था इंडिया में, अपना खा पी के मज़े उड़ा रहा था। यहाँ पे आके जब पहली बार किचन में गया तो फील हुआ कि यार वहाँ पे अगर मैंने 10 दिन भी किचन में निकाले होते, मम्मी के साथ आटा लगाया होता, सब्जियाँ काटी होती, छौंका लगाया होता सब्जियों का, तो अभी बहुत यूज़फुल होता। उसके अलावा एक पॉइंट की काफ़ी लोग सोचते हैं हम इंडिया से कुकर लेके जाएं, बाहर कुकर नहीं मिलता ये वो, तो इंडिया में कुकर थोड़ा सा चीप मिलता है, यहाँ पे कुकर्स मिलते हैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल के, थोड़े से महंगे भी होते हैं, पर मैं खुद कुकर लेके आया नहीं था और कुकर बहुत हैवी भी होता है, काफ़ी जगह भी आपकी कवर करता है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप लोग कुकर वगैरह लेके आओ, क्योंकि मेरे को अभी तक ऐसी नीड फील नहीं हुई। चावल बनाने होते हैं नॉर्मल बर्तन में, चावल बन जाते हैं, दाल बन जाती है, हर काम हो जाता है। पॉपकॉर्न वगैरह हो सकता है, कुछ लोग कुकर में बनाते हैं इंडिया में अपन लोग, तो पॉपकॉर्न के भी यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है कुकर की। बाकी इंडियन कपल्स वगैरह मैंने देखा है कुकर्स वगैरह काफ़ी लाते हैं यहाँ पे इंडिया जाने से पहले, यहाँ पे फिर अपना सामान बेच रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कुकर बहुत दुनिया लाती है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कुकर वगैरह लेके आओ, उसके बजाय अपनी कुछ और काम की चीज़ लेके आओ जो वेट कवर करेगा। और एक चीज़ ये कि आने से पहले अपने बाल बाल कटा लेना, यहाँ पे आओगे थोड़ा महंगा लगेगा सब काम, क्योंकि बाल काटने के यहाँ पे नॉर्मली इंडिया के हिसाब से 1,500 रुपये लेते हैं, तो उसमें तो अपना एक साल की हेयर कटिंग हो जाती है इंडिया में लड़कों की, स्पेशली लड़कियों की तो शायद थोड़ी महंगी होती है। पहले एक बार अपने बाल छोटे करा लेना जितने हो सके, ताकि थोड़े टाइम तक आपको कटिंग की ज़रूरत ना पड़े, उसके बाद में यहाँ पे कराते रहना। भाई पूरा शरीर कांप रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाइक क्लोथ्स। जब यहाँ पे बाइक करते हो, अगर आप स्टार्टिंग में बाइकिंग वगैरह ना करो लेकिन बाइकिंग अगर आप यहाँ पे करोगे, तो उसके हिसाब से थोड़े कपड़े रखना, थोड़े हो सकता है रेनकोट्स वगैरह, ताकि बारिश में आपको चलाना पड़े तो रेनकोट हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे हर कोई अपने साथ रेनकोट रखता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है पता नहीं कब मौसम बदल जाता है, तो इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है ढंग का रेनकोट ले आना, जिसमें पैंट वगैरह और पूरा शर्ट वगैरह जो बन जाता है अपना हुड भी कवर हो जाए, तो वैसा रेनकोट लेके आना। और अगर हो सके तो 2 पेयर ले आना रेनकोट के भी, अगर एक फट भी जाए तो दूसरा काम आ जाए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा फ़नी लगेगा लोगों को, पर मैंने जो चीज़ फील की यहाँ पे ये कि मैं अपने चड्डे बहुत लिमिटेड लाया था, 3-4 पेयर बस, तो यहाँ पे आके मैंने बहुत सारे चड्डे खरीदे और सॉक्स वगैरह खरीदी, क्योंकि यार यहाँ पे अपन लोग इंडिया में फिर भी अपना नहाते टाइम धो देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा साबुन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है नहीं। जो अपने इंडिया में रिन साबुन वगैरह जो कपड़े धोने की होती है, वो मेरे को यहाँ पे नहीं दिखी अभी तक, तो ट्राई करना थोड़ी बहुत अपने कपड़े धोने की साबुन ले आना, बाकी दूसरी साबुन वगैरह मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्फ एक्सल वगैरह वो यूज़ करते हैं, मशीन्स में डायरेक्ट कपड़े लगाते हैं, अपना सर्फ डाला और कपड़े डाले, तो अपन डेली तो मशीन लगा नहीं सकते यहाँ पे, तो इससे अच्छा है कि अपने थोड़े एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स और चड्डे ले आना, ताकि उनको एक बार पटक दो और एक बार लॉन्ड्री लगाओ तो सारे एक बार में धुल जाएं। उसके अलावा एक पॉइंट है उन लोगों के लिए जो स्पेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स ले आना अपने चश्मे जो होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो चश्मे बनते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो मेरे जो दोस्त हैं वो अभी तक भी इंडिया से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अपने चश्मों का, और अपने इंडिया में डॉक्टर से भी आईज़ वगैरह टेस्ट करा के आना, क्योंकि यहाँ पे आई टेस्ट वगैरह भी फ्री नहीं है, तो आई टेस्ट और चश्मा ये ज़रूर लेके आना, हो सके तो 2 पेयर लेके आना, क्योंकि मेरा दोस्त 2 पेयर लेके आता बहुत सोच समझ के, काफ़ी महंगे चश्मे लेके, लेकिन उसका 1 पेयर आते ही खो गया था, तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि 2 पेयर हमेशा लेके आना अपने साथ में, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो यहाँ पे आने के बाद में। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको दूसरी वीडियो से भी बताई थी, वो ये कि यहाँ पे डेनमार्क का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही अच्छा है, आपको फ्री फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन डेंटिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री नहीं होता, तो जिन लोगों के दांत में कुछ प्रॉब्लम है, दांत वगैरह कैप वगैरह लगानी होती है या दांतों की क्लिनजिंग करानी होती है, तो वो सब ट्राई करना यार एक बार इंडिया से करा के आ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के बहुत बड़े खर्चे होते हैं डेंटिस्ट के। अभी मैंने सुनने में आया कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है बात कर रही है कि नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट भी फ्री हो, पर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि यार इंडिया में जिनको भी दांतों की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत अपने दांत वांत क्लींस करा के, कीड़े लगे हैं तो कैप वैप लगा के हर ट्रीटमेंट करा के आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा पड़ जाता है। इवन काफ़ी सारे डेंस लोग और अपने देसी लोग जो यहाँ पे काफ़ी टाइम वगैरह रहते हो, वो तो अपने दांतों का इंश्योरेंस वगैरह भी करा के रखते हैं, क्योंकि इतना महंगा खर्चा होता है यहाँ पे, तो यही सजेशन है कि हो सके तो वहाँ से सब कुछ करा के आना अपने दांतों का जुगाड़, ताकि यहाँ पे
दांत पकड़ के घूमना ना पड़े, डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये भाई शायद कुछ लोगों की टोली जा रही है पीछे से, अभी ये थोड़ी देर तक अपनी बोट वोट चला रहे थे, काफ़ी डेनमार्क के फ्लैग्स वगैरह लेके घूम रहे थे इधर, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं अपना। और उसके अलावा एक ये चीज़ कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही गंदा है, कभी बारिश कभी कुछ, और साइकिल्स वगैरह आप चलाते हो तो जूते बहुत जल्दी टूटते हैं, तो इसलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग से पेयर ऑफ शूज़ ज़रूर ले आना यहाँ पे बाइकिंग के लिए, बारिश के लिए कभी पानी। उसके अलावा ले आना भाई अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट, क्या पता यहाँ पे आते ही आपका कुछ जुगाड़ बैठ जाए, लड़के समझ गए होंगे कुछ किसी गोरी से के साथ जुगाड़ बैठ जाए। तो अगर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपकी कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवाने में वगैरह में बहुत ईजी होगा, हेल्प हो जाएगी। अगर आप PR अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में लाना मत भूलना। और उसके अलावा अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स लोग भाई एक लैपटॉप ज़रूर ले आना, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली पढ़ाई है, मोस्टली पढ़ाई मतलब ऑलमोस्ट 95% पढ़ाई लैपटॉप्स पे ही होगी, आपके सारे आपको असाइनमेंट्स वगैरह। और यस, ये चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं की थी इस लिस्ट में, वो ये कि अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ज़रूर ले आना, जो अपन बनाते थे ना इतने छोटे छोटे से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो वहाँ पे इंडिया में काफ़ी सस्ते खिंच जाते हैं लेकिन यहाँ पे बाप रे बाप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर ले आना, इंडिया में तो बहुत सस्ती खिंचती हैं अपने, या फिर अपने पाकिस्तान वगैरह जहाँ भी से भी आप वीडियो देख रहे हो, पर डेनमार्क में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो गलती से भी ये चीज़ मत भूल देना, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में, और अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये तीनों चीज़ें तो भाई कहीं पे भी लिख लेना अपने, चाहे हाथ पे अभी पेन से लिख देना, क्योंकि ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और बाकी अगर आपका प्लान है यहाँ पे आने का तो भाई जितना हो सके इंडिया में मस्ती मार लो, बाकी बाद में आप अपने इंडिया को, दोस्तों को, फैमिली को याद करते रहोगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, काफ़ी कुछ बोल दिया है, मुँह थक गया है, ठंड लग रही है बुरी तरह, घर भागता हूँ, कुछ खाना वाना खाता हूँ, शाम हो चुकी है यहाँ पे। तो खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, और बाय बाय, टेक केयर। भाई वीडियो तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, मैं जहाँ पे बैठा हूँ अभी, क्या गजब सीन, ये देखो। ये बतख वगैरह मज़े ले रही हैं पानी के, और ये जा रही है मेट्रो। क्या गजब की सीनिक ब्यूटी है भाई यहाँ डेनमार्क की, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये था अपना सेटअप, यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई आज की, अपनी नोटबुक रखी है, बैग रखा है, साइकिल खड़ी है अपनी, एक नंबर। और ये है DR बिल्डिंग, DR यहाँ का रेडियो है, और ये वही एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, इसके पीछे की तरफ मेरी जो है स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, और DR के उस तरफ जो है एक IT यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की, कुछ दोस्त वहाँ भी पढ़ते हैं।